हम लोग लास्ट मैच का सबसे अंतिम चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी सबसे अंतिम है, प्राइस का है ना, और इससे क्वेश्चन जो होता है 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न रहते हैं, 1-2 प्रश्न सब्जेक्टिव के भी रहते हैं, टोटल मैक्सिमम 10 नंबर का पूछता है, 10 से कम ही पूछता है 7 नंबर 8 नंबर का सवाल। तो चैप्टर बड़ा ही ईजी भी है और आसानी से अगर आप इसका थ्योरी समझ लीजिएगा ना, आराम से आपका 5 से 10 नंबर के बीच में आपका कमजोर हो जाएगा। देखिए प्रायिकता जो होता है एक प्रकार की संभावना है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रायिकता क्या है? एक प्रकार की संभावना, इसको 50-50 का चांस कहते हैं। सबसे पहले देखिए प्रायिकता का ये डिफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता बराबर, इसको पी से सूचित करते हैं ना, क्या से सूचित करते हैं? पी से। और कभी कभी यहाँ पोस्ट में ऐसे भी लिखा था पीई, यानी इवेंट ऑफ पी, यानी कि घटित घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसमें ऊपर होता है घटित घटना बटा में, घटित घटना बटा में क्या होता है? कुल घटना, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपका प्रायिकता का मान होगा, प्रायिकता का फॉर्मूला होगा घटित घटना बटा में कुल घटना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये मेरे पास एक थैला है, इसमें 5 रेड बॉल है और है ना 7 ब्लैक बॉल है, और हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, किसका पूछा गया? ब्लैक बॉल। तो घटना क्या घट रहा है? ब्लैक बॉल की घटना घट रहा है, तो हम उसमें लिखा है कि घटित घटना को ऊपर लिखना है, किसको पूछा है? ब्लैक का। तो ब्लैक बॉल कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखना है कुल, तो कुल 7, 5, 12, ये हमारा हो गया। अब एक नंबर ये सवाल है ना जी, अगर यही पूछता प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, आर का मतलब रेड बॉल, घटित घटना मेरा क्या हो गया? रेड बॉल हो गया। तो रेड बॉल यहाँ पे कितने हैं? 5 लिख देंगे, नीचे हमेशा ही टोटल लिख देना, क्या होता है? 12, 7, 5, 12। तो ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे, इसको मतलब समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता का जो ये भी कभी कभी पूछता है, ये प्रायिकता जो होता है ना 0 से बड़ा और बराबर होता है, 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन 1 से हमेशा ही छोटा होता है। प्रायिकता कभी भी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा और 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे परीक्षा में, बोलेगा आपसे कि इनमें कौन, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दे दिया 15%, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया -2, तीसरा ऑप्शन दे दिया 0.3 और चौथा ऑप्शन दिया है 0.5, इसमें कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता? अगर खाली 2 भी लिख देते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन में, तो भी ये प्रायिकता का मान नहीं होता, क्योंकि प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से कम ही होता है, चाहे 1 तक होता है। अब यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट निकलते हैं, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना याद रखिएगा हमेशा ही शून्य होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, क्या होती है? 0। अब असंभव घटना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो होता क्या है, ठीक है, जैसे इस पॉकेट में हमने चौक रख दिया, ठीक है ना, क्या रखे हैं? चौक। अब हम बोल दिए ना पॉकेट से नींबू निकालिए, पॉकेट में हाथ डालेंगे भाई पता निकलेगा, चौक तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें तो नींबू डाला ही नहीं है, तो यह असंभव घटना हुआ ना, इसलिए प्रायिकता क्या होगी इसकी? 0। जो घटना नहीं घटित हो सकती उसको असंभव घटना कहते हैं, ठीक है ना, जो घटना घटित नहीं हो सकती, जैसे इसमें सारे स्टूडेंट्स 10 क्लास के हैं, हम कहें इस रूम में से 9 क्लास का स्टूडेंट निकला, नहीं स्टूडेंट निकलेगा नहीं सर, नहीं ना, ये कौन सा घटना हो गया? असंभव घटना। अब इसकी कोई प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या होगा? 0। समझ में आ गया असंभव घटना किसे कहते हैं? एक थैला लिए है ऐसे, वो किनके जा रहा है? अब कोई आपसे मांगते हैं झोला में अमरूद का, अमरूद नहीं किले ना साहब, सेब किले में तो अमरूद कहाँ से है? तो कौन सा घटना हो गया? असंभव, ठीक है ना। असंभव घटना का हमेशा ही प्रायिकता
असंभव के नाम को कभी कभी चेंज करके भी पूछता है, पूछ देगा कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है, इसका भी क्या होगा? जीरो। अनिश्चित है, असंभव है, दोनों कंडीशन में आंसर निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये तो हुआ इससे रिलेटेड कहानी। अब इसके अंतर्गत हमें तीन टाइप के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है वाइन, वाइन का मतलब होता है सिक्का। दूसरा सवाल पढ़ना है डाइस, डाइस यानी कि पासा। और तीसरा पढ़ना है प्लेइंग कार्ड, जिसको कहते हैं ताश। तो तीन टाइप पे आपको प्रायिकता के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आम अमरूद केला वाला जो है वो आपको बता दिए कैसे बनता है, थैला में दे देगा, ये सब तुम्हारा सिंपल सा हो गया। सबसे ज्यादा अगर प्रायिकता में किसी को बोरिंग लगता है, उबाऊ लगता है, या क्वेश्चन नहीं बनता है, तो प्लेइंग कार्ड है ताश, क्योंकि उसको समझ नहीं पाते हैं कोई ताश को बढ़िया से, जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना पाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? प्लेइंग कार्ड पे करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं क्वाइन से, क्वाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वाइन मतलब क्या होता है? सिक्का। क्वाइन का मतलब है सिक्का। सिक्का में दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं हेड और एक को बोलते हैं टेल, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हेड और एक को टेल। हेड का मतलब है चीप, इसको एच से डिनोट किया जाता है, और टेल का मतलब होता है हॉट, इसको टी से सूचित किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, सिक्का को उछालने पर कुल घटना की संख्या, उछालने पर कुल घटना की संख्या, तो कुल घटना की जो संख्या होगी ना वो 2n होगी। क्या होगी? 2n। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझिएगा, 2n, n मतलब उछालों की संख्या। अगर एक सिक्का को 3 बार फेंके गए तो n का मान क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। अगर एक सिक्का को 5 बार इसे तरफ फेंक रहे हैं तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। अब आपसे सवाल पूछ दिया क्वेश्चन, यदि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, कितना बार? 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो कुल घटना कितना होगा? कितना होगा जी कुल घटना? कैसे जानेंगे कुल घटना कितना होगा? तो सूत्र हम यूज करेंगे। सूत्र हमारा क्या होता है? 2n। तो 2n क्या हो जाएगा? 3। और 3 का मतलब 2 × 2 × 2। लिखना भी होता है, लिखना भी सिखा देंगे जब हम लोग क्लास करेंगे, है ना। क्वेश्चन इसपे सॉल्व करेंगे, सिक्का के बारे में सवाल यही पूछता है, बस इतना ही सवाल बनेगा। कुल घटना और मान लीजिए एक सिक्का पे एक प्रायिकता ऑफ एज पूछे, यानी चीज की प्रायिकता पूछे। एक सिक्का में एक चीज होता है, आएगो क्वार्टर, चीज ए वाला टोटल घटना क्या होता है? तो चीज की प्रायिकता चाहे पार्ट की प्रायिकता, दोनों कंडीशन में क्या होगा? 1/2। चीज को निकालना हो तो प्रायिकता क्या होगा? 1/2। लेकिन चीज से 3 होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं ताश? प्लेइंग कार्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ताश। सबसे पहला चीज की ताश में कितने पत्ते होते हैं? नाम दे दिया है, ठीक है। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, चारों ग्रुप में 13-13 लोगों को दिया गया, 13-13 पत्ता को, 13 13 13 और 13, टोटल मिला के हमारा कितना हो जा रहा है? 52 पत्ता हो गया। जब 13-13 का ग्रुप बनाएगा, जैसे 11-11 का क्रिकेट में बनता है खिलाड़ी, तो मान लेते इंडिया टीम है, देश लेवल पर उस टीम का नाम इंडिया टीम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे सब होता है। उसी तरह से इसका भी कुछ नाम दिया गया, मैच लेवल पर 13-13 के ग्रुप को,
और एक तेरह ग्रुप को हमने कहा हुकुम, इसको क्या बोलते हैं हुकुम। आपसे भी पूछेगा हुकुम से कितने पत्ते होते हैं, तेरह। एक का नाम रखा गया ईद, एक का नाम क्या रखा गया ईद, ईद के कुल कितने पत्ते होते हैं तेरह। और एक का नाम रखा गया पान, पान रखा गया तो पान के कुल कितने पत्ते होते हैं तेरह। और एक का नाम रखा गया चिड़ी, डायमंड कहते हैं लेकिन डायमंड का मतलब हीरा होता है, लेकिन यहाँ पे डायमंड ही कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे डायमंड ही कहा जाता है ईट को, लेकिन डायमंड का मतलब हीरा होता है ना। और पान को हट कहते हैं, पान को हट मतलब तो हृदय होता है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम क्या रखा गया है हट रखा गया है। और चीनी का नाम रखा गया गुलाब, क्या नाम रखा गया गुलाब। अब देखिए इसको ताश में देखेंगे तो कैसा कैसा नजर आएगा, अब थोड़ा समझिएगा। हुकुम का जो पत्ता होता है उसका सिंबल ऐसे होता है, अगर ताश में ऐसा डिजाइन का कोई मिले तो आप समझ जाइए कि हुकुम के पत्ते हैं। हम ताश खेलते नहीं है लेकिन इसको पढ़ाई के लेवल पर पढ़े हैं तो हम जानते हैं। ईंट का डिजाइन ऐसा होता है, ईंट का डिजाइन ऐसा होता है, और पान इसी तरह का होगा, ऐसे कर देना डिजाइन हो गया पान का। चलो और चीड़ी का डिजाइन देखिए, चीड़ी जो होता है ना ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। तो ताश में अगर इस तरह का सिंबल मिले तो क्या है मेरा चीड़ी है, ठीक है। अब ये कौन काला कौन लाल इसको भी याद करना आसान है, ईंट किस कलर का होता है लाल कलर का होता है, ये क्या होगा लाल। पान खाने के बाद क्या हो जाता है ये भी क्या होता है लाल, और बाकी दो लोग बच गए तो क्या होते हैं काले, क्या होते हैं काले। क्लियर बात समझ में आ रहा है। 52 पत्तों में से 13 दुनिया 26 को लाल पत्ते होते हैं और 26 को काला पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स को इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। कुल 26 पत्ते जो होते हैं क्या होते हैं लाल रंग के होते हैं। 26 पत्ते कैसे होते हैं लाल रंग के होते हैं, सब हम बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को हम बोल देंगे। और 26 पत्ते कैसे होते हैं काले रंग के, और ये 26 जोड़िएगा तो क्या हो जाएंगे 52 हो जाएंगे ना रंग के होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसके बाद की कहानी समझिए। इतना दूर तक समझ में आ गया, ताश देख पहचान लीजिएगा ना भाई, कौन कौन से ताश कौन सा क्या है। ये हुकुम का है, ये ईंट का है, ये पान का डिजाइन है, और ये चीड़ी का। अब देखिए इसमें से आता है बादशाह, क्या आता है बादशाह, जिसको किंग कहते हैं, क्या कहते हैं किंग। गुलाम क्या होता है गुलाम, और बेगम बादशाह गुलाम बेगम है ना, बादशाह गुलाम बेगम। ये तीन ऐसे ताश के पत्ते हैं जिसमें फिगर बना होता है, उसका चित्र बना होता है, बाकी सब में नहीं बना होता। बादशाह गुलाम बेगम को तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है, क्या कहा जाता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला के मतलब केस का, क्या बोला जाता है इसको इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर अगर आपको क्यूरी रहेगा ना कोई भी, और अगर आप कहिएगा तो हम सिर्फ आधे घंटा में 15.1 और 15.2 को खत्म कर देंगे, दूसरे को चैप्टर में करते ये थ्योरी को एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। आधे घंटे में पूरा एक्सरसाइज 15 खत्म, हम तो 3 दिन ज़्यादा बोल दिए आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो बादशाह गुलाम बेगम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। इसकी संख्या भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले देख लीजिए, एक का बादशाह गुलाम बेगम को, बादशाह गुलाम बेगम को ऑनर कार्ड यानी कि मालिक पत्ता, ठीक है ना।
ठीक है, विचार जो कार्य है सबसे ताकतवर कार्य है। हाँ सर। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इच्छा चारों आ जाता होगा तो समझिए कि किंग हो जाता होगा। हम तो नहीं जानते कैसे क्या होता है ना। एका बादशाह गुलाम और बेगम को क्या बोलते हैं? ऑनर का, यानी कि मालक मालिक पत्ता कहा जाता है। अब इसके बाद कुछ पत्ते होते हैं जो जनरल कार्ड कहलाते हैं, जैसे एका के बाद दुक्का हो गया, टिक्का, चौका, पांच, छठा, सत्ता, आठ वैसे होता है। नौ के बाद जो नहला कहने लगते हैं और दस को दहला कहते हैं, तो जनरल कार्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनरल कार्ड, सामान्य पत्ता, सामान्य पत्ता कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सामान्य पत्ता। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये सब कितने कितने होते हैं, कई ताला होता है, कई लाल होता है, ये भी सारे जितने भी पत्ते लिखे गए सब पत्ता चार चार होता है। कितने कितने? चार। क्योंकि एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, इसमें होगा। तो पूछेगा आपका बादशाह कैक होता है, क्या बोलेगा? चार। एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, इसमें सब चार चार गो। दुक्का भी कैक हो चार गो, टीका भी कैक हो चार गो, नहला कैक हो चार गो, दहला कैक हो चार गो, एका कैक हो चार गो, बादशाह कैक हो चार गो, गुलाम कैक हो चार गो, बेगम कैक हो चार गो। देखिए हम गिनवा देते बावन गो, इसमें चार गो होगा ना, ये भी कैक हो चार गो पत्ता होगा ना, चौका कैक होगा चार गो, ये भी चार गो, ये भी कितना होगा? 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 चार गो, चार चार आठ चार बारह चार सोलह चार बीस चार चौबीस चार अट्ठाईस चार बत्तीस चार छत्तीस। टोटल कितने पत्ते हुए? छत्तीस। कहिए अगर सर आप बावन बोले हैं तो देखिए अभी चार भी इधर बचा हुआ, छत्तीस हजार चालीस हजार चौवालीस हजार अड़तालीस हजार बावन। टोटल बावन पत्ते हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अब आपसे पूछेंगे लाल बेगम कैक हो, लाल बेगम देखिए अभी से क्वेश्चन कैसे पूछता है, प्रायिकता ऑफ लाल बेगम, हमने पूछते कि लाल बेगम चाहिए हमको, लाल बेगम को चार को सर, लाल बेगम तो कितने हो? इसमें भी लाल आएगा, इसमें भी लाल आएगा, बाकी दो को तो काला होगा ना, लाल कै को होगा? छब्बीस। लाल कै को होगा से बेगम पूछा गया, फूल पत्ता नहीं पूछा गया। अच्छा, तो शर्त लगा दिए कि लाल को हमको क्या चाहिए? बेगम। तो बेगम टोटल कितने होते हैं? चार। चार को भी से दो को लाल है बेगम, दो को काला है बेगम, छब्बीस। अगर हम सवाल पूछते बेगम कैक होती है टोटल चार को, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें चारों में, ये बता रहा था यहाँ लिखे भी है बेगम कैक है चार है। जब शर्त लग जाए लाल काला का, लाल दुग होगा काला दुग होगा, यहाँ चार हो जाएगा और टोटल लिख के बावन घटाइएगा तो एक बटा तेरह। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये बेगम का हुआ। अब हम पूछ रहे सवाल में प्रायिकता हो पान का गुलाम, किसका गुलाम पूछे हैं? पान का गुलाम, गुलाम हमको चाहिए किसमें से? किसमें से गुलाम वाला पत्ता? गुलाम का मतलब होता है जोकर, तो पान का गुलाम हम बोले हर एक ग्रुप में एक पत्ता होता है, तो गुलाम कै होगा इसमें? एक। गुलाम चार को है लेकिन एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, लेकिन हमको गुलाम लेना है किसमें का? पान में का, तो पान में गुलाम कै होगा? एक। इसलिए ऊपर का लिखाएगा एक, नीचे टोटल कितना होता है? समझ में आ रहा है? अगर हमने सवाल पूछ दिया प्रायिकता ऑफ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कैसे होता है? हुकुम का पत्ता कैसे होता है? देखिए हुकुम यहाँ आया कैसे होता है? तेरह गो। हुकुम का पत्ता कैसे होता है? तेरह गो। यहाँ तेरह लिख देंगे नीचे में बावन, तेरह कम तेरह, तेरह चुके बावन, तो कितना हो जाएगा? बावन भाई। तो ये हमारा हुकुम का पत्ता का प्रायिकता होगा। क्लियर बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये ताश से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जितना भी ताश से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, कोई भी नहीं। हम आपसे पूछते प्रायिकता ऑफ
लाल बादशाह, हमने क्या पूछा है? लाल बादशाह, लाल बादशाह कैसे होगा? दो सही जवाब दिया है। बादशाह लाल कैसे होगा? दो एगो ईट में लाल होगा, आएगो पान में लाल होगा, क्योंकि हर एक पत्ता जो होता है चार गो होता है, जिसमें दुगो लाल दुगो ब्लैक, दुगो लाल दुगो ब्लैक, दुगो लाल दुगो ब्लैक, किसी बात को निकाल लेना है। तो सब बोल दिया कि लाल चाहिए हमको, काला नहीं चाहिए। लाल दुपट्टा बावन कटा दीजिएगा तो एक बटा। अब इस पूरा थ्योरी को अगर आप पढ़ लिए तो समझिए कि आपको ताश से कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं छूटेगा। तो माइनस समझ लिए, ताश समझ लिए। अब एक चीज रह गया है सिर्फ एटी डाइस। डाइस से थोड़ा सा हम बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं। डाइस का मतलब होता है पासा। डाइस का मतलब होता है पासा। पासा जो है छह संख्याओं का खेल है। पासा क्या है? छह संख्याओं का खेल है। इसमें हमारा छह संख्या एक दो तीन चार और पाँच और छह होगा। इससे सवाल देखो कैसा कैसा पूछेगा। पहला नंबर की विषम हम पूछ देते हैं। विषम में कितने बार? एक बार, तीन बार और पांच बार। सम कौन कौन बार? दो तीन पाँच। इससे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पूछेगा ना एक पासा को फेंका जाए तो पूछेगा प्रायिकता और विषम संख्या। तो विषम टोटल कै गो है हमारे पास? टोटल कै गो है? एक दो तीन। कै गो है विषम? तीन। कै गो में? टोटल छह गो संख्या होता है। छह गो में घटा देना पता हो एक बटा दो हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर पूछेगा प्रायिकता और चार से बड़ी। पूछ दिए चार से बड़ी। चार से बड़ी हमारे पास कई संख्या है? इसे दो एक है एक दो। और नीचे कितना में से? छ गो में से, क्योंकि हमेशा छ ही होगा। डाइस में छ होगा हमेशा और पासा में बावन होगा और सिक्का में दो होगा। एकदम क्लियर हो जाता है। ध्यान से आदमी सोचिए कितना लेगा? एक बटा तीन। ये तो हो गया, लेकिन सिक पासा को भी तो उछाला उछाला जाता होगा। मान एक हाली फेंकनी, दो हाली फेंकनी, तीन हाली फेंकनी। ओकरा खातिर सूत्र होला एक पासा को एन बार उछालने पर, एन बार उछालने पर कुल घटना होगा, कुल घटना हो जाता है छ के पावर एन। कितना होता है इसमें? छ के पावर। सूत्र छ है इसमें, इसलिए इसका सूत्र क्या होता है? छ के पावर है। और सिक्का में दो ही होता है, एगो हेड और एगो टेल, इसलिए उसका सूत्र क्या बना था? दो के पावर एन। अब हम आपसे सवाल पूछ दे कि अगर एक पासा को दो बार फेंके हैं, एक बार फेंक दी उछाल दी और फिर एक बार उछाल दी, तो कुल घटना कितना होगा? दो बार तो फेंके ना, लेकिन कुल घटना कितना आ सकता है उसमें? आपका सूत्र लिखे छह के पावर है, तो छह के पावर दो कितना हो जाएगा? छह के पावर दो। छह के पावर दो का मतलब छह गुने छह, कितना घटना हो जाएगा? यार ये टोटल आपका इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं। बस आप इतना पढ़ लीजिए, आप 15.1 और 15.2 में एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? आप नोट्स बना लेंगे इसका, ठीक है? चौको खत्म कर देना, ऐसा लगेगा जैसे मुझे लास्ट में लिखे गए।